हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस अगर आप मैंने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए, आपको इंटरेस्टिंग बातें पता चल जाएगी कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के लक्षण कौन से होते हैं, सभी के बारे में मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। और प्लस जो भी स्टॉक मार्केट में अपडेट्स होते हैं वो सभी के बारे में मैं वीडियो बनाकर आपको बताते रहता हूँ। अगर आपने फिर से मैं कह रहा हूँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी एक सीज़न चल रहा है दोस्तों, वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स का। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स का तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कंपनी के रिजल्ट्स आने भी शुरू हुए हैं। जनवरी 1 तारीख से आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बड़ी कंपनी के रिजल्ट्स अभी तक आना शुरू नहीं हुआ है। आपको जैसे भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है, सभी छोटे कंपनी के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सो आपको एक्चुअल रिजल्ट्स जो कि मतलब निफ्टी 50 के कंपनी के रिजल्ट्स हैं, वो आपको कल से देखने शुरू हो जाएंगे। सो सबसे पहले कल तारीख है दोस्तों, वो 11 तारीख। सो कल का रिजल्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। कल आपको इंफोसिस का रिजल्ट्स देखने को मिलेगा जो कि एक निफ्टी 50 की कंपनी है। उसी के साथ TCS का रिजल्ट्स आपको कल देखने को मिलेगा। सो उसी के साथ HDFC AMC, ये निफ्टी 50 की कंपनी नहीं है लेकिन बड़ी कंपनी है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का देखने को मिलेगा। सो ये भी आपको कल ही अपने रिजल्ट्स पेश करेगी। सो आपको 11 तारीख इसलिए है इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल से एक्चुअल रिजल्ट्स शुरू होने वाले हैं। उसी के साथ अगर आप 12 तारीख को देखेंगे तो आपको देख सकते हैं 12 तारीख को भी बड़े कंपनी के रिजल्ट्स हैं, जैसे कि आपको HCL देखने को मिलेगा, HCL टेक है, HDFC लाइफ है। सो ये 3 कंपनी है और प्लस आपको विप्रो के भी रिजल्ट्स कल देखने मतलब 12th को देखने को मिलेगा। सो एक्चुअल क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको कल से देखने को शुरू हो जाएंगे। सो अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स जैसे मैंने बताया थे कल इम्पोर्टेंट 2 कंपनी के रिजल्ट्स है, जैसे कि TCS इंफोसिस और TCS के हैं। ये 2 इम्पोर्टेंट कंपनी कल होंगे, मार्केट को बहुत सारा बेसब्री से इंतज़ार होगा कि कंपनी कैसे रिजल्ट्स पेश करेंगे। सो सभी जैसे मैंने न्यूज़ में पढ़ा है और जैसे भी जो भी एनालिस्ट होते हैं उनके बहुत सारे रिव्यूज़ आते हैं कि कंपनियां कैसे अपना रिजल्ट्स पेश करेंगे। सो आप देख सकते हैं दूसरे एनालिस्ट के अलग अलग एनालिस्ट से आपको अलग अलग रिव्यू देखने को मिल रहा है। सो ज़्यादातर सभी एनालिस्ट आपको यही बता रहे हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ IT कंपनी गोना बी मतलब म्यूटेड, मतलब आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर। आपको कुछ कंपनी में शायद डी ग्रोथ देखने को भी मिल सकता है। इसका कारण है मेनली क्योंकि डिसम्बर क्वार्टर ऐसा होता है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये ऐसा क्वार्टर होता है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ ज़्यादातर छुट्टियों में रहती है, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है IT कंपनी के ज़्यादातर बिजनेस आपको यूरोप और अमेरिका से देखने को मिलता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से मिलता है। और ये क्रिसमस के टाइम होता है, सो ज़्यादातर छुट्टियाँ लोग छुट्टियों पर जाते हैं, यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि इंटेंसिफाइड क्वार्टर इन एंडेड दिसंबर ड्यू टू हायर देन एक्सपेक्टेड फरलॉस। फरलॉस मतलब यही होता है कि एम्प्लॉयज़ छुट्टियाँ में जाते हैं करके एनालिस्ट ने बताया है। सो इसी के ऊपर और इसके साथ TCS का ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके डील्स कैसे रहें, मतलब इनके जो फ्यूचर में जो इन्होंने डील्स बनाए हैं क्वार्टरली, उसके ऊपर मार्केट की सबसे ज़्यादा निगाह रहेगी कि इन्होंने कितने डील्स कंप्लीट किए हैं। और ये माना जा रहा है कि आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर के आप रेवेन्यू देख सकते हैं, कंसोलिडेट रेवेन्यू शायद 60,000 जा सकता है और प्रॉफिट समर अराउंड 1% का ग्रोथ दिखा सकता है अगर के एनालिस्ट बता रहे हैं, जो कि 11,446 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है, मतलब वो लोग एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं। सो आपको एक्चुअल रिजल्ट्स आपको कल ही देखने को मिलेगा, शायद नंबर्स आपको मार्केट क्लोज होने के बाद ही देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ मार्केट ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस क्वार्टर में कितने डील्स TCS ने विन किए हैं, सो उसके ऊपर भी मार्केट ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। और उसी के साथ कंपनी की क्या कमेंट्री रहेगी कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी करके, कंपनी
अपनी कमेंट्री भी देगी, सो उसके ऊपर भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। मार्केट अगर मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा है, उनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है नंबर से, वो लोग मालूम है कि नंबर म्यूटेड रहने वाले हैं, जैसे कि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ छुट्टी में रहते, इसलिए नंबर्स म्यूटेड ही रहे करके मार्केट एक्सपेक्ट करते। लेकिन मार्केट सबसे ज़्यादा वेटेज इसको देगा कि कंपनी के क्वार्टर, आने वाले क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस होगा, उसकी कमेंट्री और कितने डील्स वो लोग कवर कर सकते हैं करके वो एक्सपेक्टेशन देते हैं, और ग्रोथ कैसे होगी करके वो लोग कमेंट्री देते हैं। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसी पर मार्केट फोकस करेगी कि मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देगी। सो देखना पड़ेगा कि TCS का रिजल्ट्स कल कैसे होगा और उसका कमेंट्री भी कैसे रहेगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। सो उसके साथ उसके बाद आपको इन्फोसिस का भी खाली रिजल्ट है, सो इसके भी आपको थोड़ा प्रीव्यू देखने को मिल रहा है कि इनके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। सो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद रेवेन्यू में फॉल आ सकता है, मे फॉल मतलब मे बोल रहे हैं, 100% नहीं है, 100% आपको कल ही पता चलेगा। सो ये बता रहे हैं कि रेवेन्यू मे फॉल 8% ईयर ऑन ईयर ड्यू टू हायर फर्लॉस, ये भी यही बता रहे हैं कि रेवेन्यू में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो मिडल जो कि आपको नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में जो भी एम्प्लॉयज होते हैं ज़्यादातर छुट्टी में जाते हैं इस टाइम में, इसलिए वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद रेवेन्यू में आपको मतलब फॉल देखने को मिल सकता है। सो ये बता रहे हैं कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कंपनी शायद क्वार्टरली लाइकली टू ड्रॉप बाई 1% सिक्वेंशियली टू 38,000, शायद 38,640 का रेवेन्यू आ सकता है करके एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और प्रॉफिट इज सीन डाउन 2.2% एट 6,078 क्रोर। सो ये एस्टिमेट से अराउंड 9 ब्रोकरेज के, सो देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कल कितना आ सकता है करके। सो उसी के साथ कंपनी की कमेंट्री, कंपनी ने कंपनी देखना पड़ेगा कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, उसकी ग्रोथ कैसी रहेगी। सो वो लोग बताते हैं कि उनको कितना ग्रोथ हो सकता है करके कमेंट्री दे सकते हैं, जो कमेंट्री उन्होंने पिछली बार दिया था सेम रखेंगे या फिर उसको बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे, वो भी देखना पड़ेगा। और प्लस आप सभी लोगों को मालूम है इन्फोसिस में एक मैनेजमेंट में बहुत सारा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ वगैरह इस कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में जा रहा है, कॉग्निसेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ज्वाइन हो चुके हैं, इन्फोसिस के मैनेजमेंट में बहुत सारा बदलाव हो रहा है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो उनको शायद बेटर ऑफर मिल रहा है इसीलिए वो लोग वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। सो कंपनी इसके बारे में क्या अपडेट देगी, ये सब देखने वाली बातें हैं। सो ये सब मार्केट क्लोजली मॉनिटर करेगा, इसलिए कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, शायद उनकी कमेंट्री और उनका गाइडेंस पर मार्केट ज़्यादा पॉइंट्स रखेगा। सो आपको हमको कल ही देखने को मिलेगा कि मार्केट इस नंबर के बाद कैसे रिएक्ट करेगा। सो उसी के बाद आपको और एक न्यूज़ देखने को मिला है कि गवर्नमेंट में लोअर द टैक्सेस ऑन हाइब्रिड कार्स। सो ये आप लोगों को शायद मालूम नहीं है कि हाइब्रिड कार्स क्या है, क्या मतलब क्या नहीं है। सो सभी लोगों को मालूम है इंडिया में ज़्यादातर गवर्नमेंट पुश कर रहा है कि ईवी कार्स में ज़्यादा फोकस रहेगी, लेकिन हाइब्रिड कार्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। सो ये क्या है, मतलब ये फ्यूल में और प्लस बैटरी में चलते हैं हाइब्रिड कार्स, जैसे कि आप लोगों को अगर मालूम है तो। सो हाइब्रिड कार ऐसे चलती है, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल एंड बैटरी, सो इसके साथ फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा लेस पोल्यूटेंट होते हैं कंपेयर टू फुल मतलब पेट्रोल या डीजल गाड़ी के कंपैरिजन, ये लेस पोल्यूशन फैलाते हैं। सो इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में सभी लोगों को मालूम है जापान की टोयोटा कंपनी वर्ल्ड में लार्जेस्ट हाइब्रिड मेकर है, मतलब इसके हाइब्रिड कार्स बहुत ही सक्सेसफुल है वर्ल्ड वाइड। सो इन्होंने इंडिया में, सभी लोगों को मालूम है टोयोटा ने इंडिया में मारुति के साथ टाई अप किया है। सो ये टोयोटा के कार मारुति के शोरूम में सेल करते हैं और मारुति की गाड़ी टोयोटा के शोरूम में सेल होते हैं, सो इनका एक पार्टनरशिप जैसे चल रहा है। अगर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया कि इसके टैक्स कम करें, क्योंकि करंटली आपको अभी 43% का टैक्स आपको हाइब्रिड कार्स पर मिल रहे हैं, डिपेंड ऑन मॉडल अप टू 50% तक भी जाते हैं। सो अगर गवर्नमेंट ने इसका टैक्स कम करेंगे, जैसे कि ईवी गाड़ी का तो आपको सिर्फ 5% ही टैक्स लगता है, अगर इसके भी अगर टैक्स कम करेंगे तो इनके प्राइस कम हो जाएंगे,
तो शायद सेल्स का सेल्स के ऊपर अच्छा प्रभाव गिर सकता है। सो अगर ऐसा हो गया तो मारुति को एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाएगा। सो उसके शेयर प्राइस पर शायद ये रिपोर्ट के द्वारा आई हुई न्यूज़ है, सोर्सेस करके बताए हैं इधर। सो एक्चुअल न्यूज़ आपको जब गवर्नमेंट अनाउंस करेगा तभी पता चल जाएगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। सो अगर ऐसा हो गया तो मारुति के लिए अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है, वो लोग अपने प्राइस कम कर सकते हैं। अगर टैक्स कम हो गया तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम करेंगे गवर्नमेंट, गाड़ी के प्राइस कम हो गए तो उनके सेल्स बढ़ने के और भी चांसेस हैं। सो उसी के साथ सभी लोगों को मालूम है अभी गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात करके कॉन्फ्रेंस चल रहा है। सो बहुत सारी कंपनियाँ अपने फ्यूचर प्लान्स को अनाउंस कर रहे हैं कि वो लोग कितने इन्वेस्ट करने वाले हैं गुजरात में, क्या बिजनेस प्लान्स है, सब कुछ चल रहा है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु में चल रहा था, अभी गुजरात में चल रहा है। सो वहाँ पर मारुति सुजुकी ने अनाउंस किया है कि वो अराउंड $4 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर इट्स सेकेंड गुजरात कार प्लांट। सो अगर ऐसा हो गया तो ये प्लांट शुरू होने के बाद वो लोग बता रहे हैं कि अराउंड 2027 तक ये प्लांट शुरू हो जाएगा। अगर ये प्लांट शुरू हो गया तो उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी अराउंड 4 मिलियन तक जा सकता है, मतलब 40 लाख कार पर एनम वो लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप फिर जो भी डिमांड है उसको मीट करने के लिए कंपनी को होगा। सो एक एक्सपेंशन प्लान कंपनी के प्रेसिडेंट ने आज अनाउंस किया है। सो मारुति के लिए दो न्यूज़ अच्छे न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है, एक रिपोर्ट के द्वारा आई है और ये तो खुद कंपनी ने अनाउंस किया हुआ न्यूज़ है। उसी के साथ अदानी ने भी आज अनाउंस किया है कि वो अराउंड $24 बिलियन आपको गुजरात में इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 5 साल में, क्योंकि वो लोग एक ग्रीन पार्क उधर बनाना चाहते हैं और वो ग्रीन पार्क सबसे बड़ा पार्क होना चाहिए और उनका दावा है कि इंडिया अपना ग्रीन एनर्जी में अच्छा खासा डेवलपमेंट करना चाहते हैं और उसको एनर्जी को वो लोग एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं करके उन्होंने बताया। सो उनका प्लान है आने वाले 5 साल में अराउंड $24 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गुजरात में करेंगे करके आपको गौतम अदानी ने आज उधर अनाउंस किया है। सो उसी के साथ टाटा मोटर्स का भी न्यूज़ आया है कि वो लोग अपने लिथियम आयन बैटरी गुजरात में सेटअप करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का मतलब ईवी इलेक्ट्रिकल गाड़ी मतलब ईवी गाड़ी का डिमांड बढ़ रहा है। सो उसका डिमांड फुलफिल करने के लिए वो लोग लिथियम आयन के बैटरी टाटा मोटर्स के थ्रू वो लोग सेटअप करना चाहते हैं। सनंद करके गुजरात में एरिया है, जैसे आप देखने को मिलेगा सनंद करके, वहाँ पर वो लोग ये फैक्ट्री बनाना चाहते हैं करके उन्होंने आज अनाउंस किया है। सो ये बहुत ही एक्सपेंसिव फैक्ट्री होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ही कम इसमें हो जाएगा, ये बहुत ही एक्सपेंसिव फैक्ट्री है लिथियम आयन बैटरी बनाना। सो टाटा मोटर्स के पास तो मतलब टाटा ग्रुप के पास ओवरऑल बहुत सारा पैसा है। सो उनको ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं, उनके पास बहुत सारा पैसा, वो लोग इसको अफोर्ड कर भी सकते हैं। सो अगर उन्होंने बताया है आज नटराजन चंद्रशेखरन जो कंपनी के चेयरमैन है उन्होंने अनाउंस किया है आज। सो शायद ये होने का पूरा चांसेस है, अगर उन्होंने अनाउंस किया तो 100% हो सकता है। सो आप टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस भी देख सकते हैं, आपको 800 के ऊपर अभी क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप मैक्स चार्टन देखेंगे तो टाटा मोटर के शेयर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई आपको टच करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 808 रुपीस के नज़दीक आपको देखने को मिल रहा है। सो उसी के साथ रिलायंस ने भी वहाँ पर गुजरात में अनाउंस किया है कि वो लोग अपने कार्बन फाइबर फैसिलिटी को गुजरात में बनाना चाहते हैं। सो करके उन्होंने भी अपने फ्यूचर बिजनेस प्लान्स वहाँ पर अनाउंस किया है। सो इन्होंने और भी बताया कि अराउंड $150 बिलियन इन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है पिछले 12 साल में। सो उसमें 1/3 उन्होंने गुजरात में ही इन्वेस्ट किया करके ये लोग आज अनाउंस करके बताया है। सो उसके साथ और भी देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यही मतलब जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था उन्होंने बताया है कि इंडियन इकोनॉमी अराउंड 2047 मतलब 2047 तक शायद फुल्ली डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगी और तब तक हमारी इकोनॉमी की साइज़ होगी $30 ट्रिलियन। सो अभी हम चल रहे हैं अराउंड 3.5 से 4 ट्रिलियन के बीच चल रहे हैं। सो इनका मानना है कि अराउंड 2047 मतलब आने वाले 25 ईयर्स में क्लोज टू 25 ईयर्स में इंडियन इकोनॉमी टच करेगी अराउंड $30 ट्रिलियन। अगर ये ऐसा हो गया, अगर ये सच है तो आप देख सकते हैं हमारा स्टॉक मार्केट अभी 21
1000 पे चल रहा है, सो आप मान के चल सकते हैं ये निफ्टी कहाँ तक, कहाँ से कहाँ टच कर सकता है। शायद आपको एक लाख या डेढ़ लाख भी टच कर सकते हैं वो उस समय के अंदर। सो आपको, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अच्छे खासे लार्ज स्टॉक, मतलब जो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होते हैं उसमें इन्वेस्ट करने का विचार कीजिए। अगर इंडियन इकोनॉमी भागेगी तो निफ्टी 50 भागेगी। निफ्टी 50 भागना है तो हमारे जो भी लार्ज कैप स्टॉक्स है, जो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, उनको भागना पड़ेगा, तभी निफ्टी 50 आगे जा सकता है, नहीं तो निफ्टी 50 आगे नहीं जाएगा। सो 100% अगर हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी बन जाएगी आने वाले 20-25 साल में, तो आप देख सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी 50 में कौन सी कैसी तेज़ी आ सकती है। सो इसीलिए इन्वेस्टेड रहे, अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि कोई पेनी स्टॉक में मत जाइए। अच्छा फंडामेंटल स्टॉक में रहिए, तब आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। सो उसी के साथ डाउ जोन्स भी देखेंगे। सो डाउ जोन्स आप देख सकते हैं, आज कुछ आपको तेज़ी देखने को नहीं मिल रही, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है। 38 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रहा है, मतलब 0.10% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सो रात भर ये कैसे चलेगा देखना पड़ेगा, शायद ये जो अपना प्रीवियस क्लोज है उसको कट करके भी नीचे जा सकती है। सो इसको रात भर देखना पड़ेगा। सो उसी के साथ क्रूड ऑयल का भी प्राइस देखेंगे। क्रूड ऑयल का प्राइस आप देख सकते हैं 77 प्रति बैरल चल रहा है, जो कि ब्रेंट क्रूड है, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये चल रहा है अराउंड $77 प्रति बैरल चल रहा है। सो अभी मार्केट तो आपको देख सकते हैं कंसोलिडेट ही कर रहा है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। इंडियन मार्केट भी देख सकते हैं 21600 वहीं पर घूम रहा है। सो मार्केट वेट कर रहा है सी रिजल्ट्स कैसे आएंगे, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, उसी के ऊपर ट्रेडर्स अपने कॉल लेंगे, इन्वेस्टर्स अपने बाइंग के प्लान्स करेंगे। सो ये सब मार्केट अब ऐसे ही चल रहा है। अमेरिकन मार्केट भी अपने इन्फ्लेशन डाटा के लिए वेट कर रहा है। सो अभी वो भी आपको 12 तारीख को देखने को मिलेगा। इंडिया के इन्फ्लेशन डाटा आपको 11 तारीख को देखने को मिलेंगे। सो उसी के ऊपर मार्केट अभी वेट कर रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। सो कल फिर से मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय।